यार महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूँ। मेरे साथ गौरव है। गौरव को मैंने 15 दिन गाड़ी सिखाई है ऑल्टो में। गौरव अपनी हैरियर चला रहे हैं। गौरव ने ब्रांड न्यू हैरियर ली है, 2-3 दिन से गाड़ी चला रहे हैं अपनी। गौरव ने नाइट ड्राइव कर ली है, नॉर्मल रोड पर ड्राइव कर ली है, सिटी ड्राइव भी कर ली है, लेकिन गौरव को आज मैं हाईवे ड्राइव कराने जा रहा हूँ। गौरव कैसा फील कर रहे हैं आप बताइए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपने जो ड्राइविंग सिखाई उससे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है गाड़ी चलाने का। बट भैया, मैंने सिटी में तो ड्राइव कर ली है, बट मुझे हाईवे में चलाना सीखना है कि हाईवे में कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी को, कैसे आपको ब्रेक मारना है और कैसे आप ओवरटेकिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ आज मैं भैया से सीखने वाला हूँ, भैया मुझे सिखाने वाले हैं कैसे करूँगा मैं। तो आप देखोगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो देखेंगे इस वीडियो के अंदर कैसे आप हाईवे में ड्राइव कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, एंड गाइस कैसे ब्रेक एंड क्लच का यूज़ करना है, कैसे गियर शिफ्ट करना है के अंदर। गाइस, गौरव ने अपनी सीट बेल्ट अच्छे से एडजस्ट कर ली है और सीट बेल्ट लगा भी ली है और सीट एडजस्ट भी कर ली है, स्टीयरिंग भी एडजस्टमेंट कर लिया है। अब हम चलने के लिए तैयार है। लेकिन इस गाड़ी में 2-3 फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही रॉयल वाले फीचर्स है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले जो है पुश बटन जो है उससे स्टार्ट होती है, चाबी से नहीं होती है। गौरव अपना पुश बटन दिखा दीजिए, पुश बटन से क्लच दबाइए, एक बार क्लिक किए, एक बार क्लिक किया, स्टार्ट हो गई आराम से, ठीक है। अब आप इसका ना देखिए, हैंड ब्रेक देखिए कितना रॉयल लुक हुआ है, बहुत ही मतलब जेट की तरह लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसको इसके यहाँ पे बटन है एक, गौरव करिए इसको डाउन करिए, ब्रेक दबाना है आपको, गाड़ी आगे, देखो गाड़ी आगे गई, ब्रेक दबाना है, ठीक है। अब देखो इस गाड़ी में एक और बहुत प्यारी चीज़ लगी जो है पैनोरामिक सनरूफ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अल्टीमेट। गौरव इसको चलाने वाले हैं गाड़ी को, अब देखिए गौरव राइट का इंडिकेटर करिए अब, ठीक है। अब आप लाइन में पीछे देखिए शीशे में और मूव करिए, वेरी गुड, हर गए। ड्राइवर डोर ओपन, प्लीज चेक। ड्राइवर डोर ओपन है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो पहले, रुक जाओ, गाड़ी साइड में लगा दो, ले पहले गियर लगाओ। चलो चलो उसमें देखो, मेरे को राइट का इंडिकेटर कर दिया हमने, आपको एकदम से लाइन में मर्ज नहीं, धीरे धीरे होना है, पहले थोड़ा सा टायर डालना है, एकदम पूरी टेढ़ी नहीं करनी है गाड़ी, ठीक है, धीरे धीरे मर्ज होना है, जो पीछे वालों को ना पता लगे। अब लगा दीजिए सेकंड गियर, लगा दीजिए, आपको अगर लाइन चेंज करनी है तो इंडिकेटर का यूज करना है, लेकिन इंडिकेटर अपने हाथ से बंद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ओके सर। और आप अगर हाईवे पे हमें लंबा जाना है तो हमें राइट साइड चलना है, डिवाइडर की साइड, लेकिन पहले आप इंडिकेटर करिए राइट का, शीशे में देखिए और हल्के हल्के आना, हल्के हल्के, हाँ हल्के हल्के, बिल्कुल। अब इंडिकेटर बंद कर दीजिए, ठीक है, फोर्थ गियर लगाइए, चलते हो ना तो रोड के किनारे जो साइन लगे रहते हैं उनको जरूर देखना है आपको। देखो जैसे ये साइन लगा हुआ, इसका मतलब कि यहाँ से कट है, तो अब क्या है आपको हल्के चलना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है लोग कट करेंगे, यहाँ से यू टर्न भी है। अब यहाँ थोड़ा गलत चल रहा है, राइट में चलिए, राइट वाले इस वाली लाइन में चलिए, अब स्पीड छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से लोग क्रॉस होंगे ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे अपनी स्पीड पहले से कम रखनी है। हमें रोड पे चलते हुए हमेशा साइन जरूर देखनी है, देखो एक साइन ये है, उस साइन के हिसाब से हमें फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है, रोड साइन जरूर देख लें। हाईवे पे चलाना गाड़ी इजी है, बस ये कि गलती नहीं करनी है आपको ना, बहुत इजी होता है, गाड़ी स्मूथ चलती है, पर रूल में चलना है आपको, ठीक है। आप नेक्स्ट गियर लगा सकते हैं, लगाइए सब गियर, वेरी गुड। और आपको पता है ये पेड़ क्यों लगा रखे है बीच में? देखो रात को जब आप क्या होगा, रात को अगर कोई गाड़ी आ रही होगी ना सामने से, तो जो है उसकी लाइट नहीं चमकेगी आपके मुंह पर, तो ये पेड़ इसलिए होते हैं,
एक तो नेचुरल अच्छा रहे, हमारा परिवार अच्छा बना रहे, वो तो है ही है, लेकिन क्या है रात को जब लोग ना हाईवे पे, क्या हाईवे बीम पे चलाते हैं गाड़ी, तो सामने से आपके लाइट नहीं चमकेगी। अब देखो आपको कहीं जाना है तो ये आपको ये देखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो ये मोड़ का निशान है, ये व्हाइट वाला देखो एरो, इसका मतलब क्या है कि आपको मोड़ है तो इसलिए गाड़ी स्पीड कम कर दी। आप ये लाइन में गलत आ गए, इंडिकेटर दे के आना था आपको इस लाइन में अगर आना है तो, ठीक है। देखो सब भरे हुए यहाँ पे एरो लगे हुए, अब आप लाइन चेंज करेंगे तो इंडिकेटर देकर करेंगे, और इंडिकेटर आपको खुद बंद करना है। अभी हमें सीधे चलना है ऊपर फ्लाई ओवर के ऊपर, हाँ वहाँ से घुमा के लाएंगे, इसी वाली लाइन में रखना है आपको। राइट राइट साइड चलिए, क्योंकि हमें आगे चलना है ना, राइट वाली लाइन में आ जाइए, हल्के से जो पता ना लगेगी हम पहुँच गए। देखिए साइन बना हुआ, यहाँ से क्या पैदल चलने का है, रास्ता बंद है उसके लिए, तो आपको साइन सारे देख के चलना है। फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या है, फ्लाईओवर के ऊपर चलने के लिए अलग रूल होता है। फ्लाईओवर पे आपको 50 की स्पीड में चलना है हमेशा, ओवरटेक नहीं करनी है। अगर आप 50 से ऊपर चलाएंगे तो ऑनलाइन कैमरे से आपका चलान हो जाएगा, आपके फोन पे आ जाएगा, तो आपको 50 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलना है, ठीक है। ओवरटेक भी नहीं करना है, गाड़ी को पार्क भी नहीं करना है, ठीक है। हाईवे पे कभी गाड़ी पार्क नहीं होगी, ओवरटेक नहीं होगी, 50 की स्पीड से तेज नहीं चलेगी, हल्के हल्के चलना है। अब यहाँ पे ढलान आ गई है तो आप स्पीड छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा इधर ही रखिए, एक लाइन में चलना है सिंपल। अगर आपको रुकना है साइड में तो आपको पहले इंडिकेटर करना है तब जाना है, अभी तो हमें सीधा जाना है तो इसलिए आप चलते रहिए। इस पर हल्का सा मोड़ है तो इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के से चलना है आपको लाइट में। गाड़ी की स्पीड कम हो गई, गियर कम करिए, फोर्थ लगाइए। गाड़ी हमेशा आपको फ्री माइंड से चलानी है, कुछ नहीं सोचना पड़ता। देखो ये एरो है, इसका मतलब क्या, हल्का सा मोड़ है, देखो येलो वाला, तो हमेशा जब भी आप चलोगे हाईवे पे तो हमेशा आपको ये देखने हैं साइन जो होते हैं रोड साइन। अब देखो एरो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब आप देख लो, हमें यू टर्न लेना है तो यू टर्न का साइन भी है। अब हम आगे से यू टर्न लेंगे तो सबसे पहले हम गियर कम करेंगे, स्पीड छोड़ के गियर कम करिए, राइट का इंडिकेटर भी कर दीजिए, राइट राइट का इंडिकेटर करिए, हल्के हल्के ब्रेक लगानी है, क्लच दबाइए पूरा, क्लच दबाइए पूरा, हल्के हल्के ब्रेक लगाइए। कभी भी आपकी गाड़ी रुकती है तो हमेशा फर्स्ट गियर लगेगा, आप रोक किसी भी गियर में सकते हो, ठीक है, बिल्कुल साथ दिया, ब्रेक पे पाओ हाफ क्लच, थोड़ा आगे जाइए, ठीक है। अब घुमाइए 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 और घुमाइए, ब्रेक ज़्यादा मत करिए, हम अब उस वाली लाइन में चलेंगे, सीधी कर दिए खराब, हम इस वाली लाइन में इससे चलेंगे कि हमें आगे से फ्लाईओवर से नीचे उतरना है, ठीक है। चलो 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 लगाए सकेंगे, गियर को सॉफ्ट हैंड से लगाना है, ठीक है, टाइट से पकड़ना है, बिल्कुल ठंडा लगाइए, ये गलत थोड़ा आया, आप इस लाइन में चलिए, एक लाइन में आराम से आराम से भाई, हम राइट वाली लाइन में इसलिए नहीं चल रहे कि हमें जो है लेफ्ट में जाना है, अगर हमें लंबा जाना होता तो हम राइट वाले उसमें चलते हैं। गाड़ी की जब लाइन चेंज होती है तो इंडिकेटर कभी बंद नहीं होता है, इसलिए आपको इंडिकेटर बंद करना पड़ेगा खुद।
दूसरा गियर लगाना पड़ेगा, दूसरा गियर लगाना पड़ेगा, आगे हिस्से में मुड़ना है ना, तो पहले इंडिकेटर करिए ठीक है, और दूसरा गियर लगा दीजिए पहले एडवांस में अभी। हाँ लगा दीजिए, लगा दीजिए कोई बात नहीं, फिर वहाँ पर भीड़ रहती है ना इससे, लगा दीजिए लगा दीजिए, तो बाद में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना। इंडिकेटर कर दिया आपने, सेकंड गियर लगा दिया, बस अब आपको ब्रेक पे पाँव रखना है और हॉर्न बजाना है, ब्रेक पे पाँव रखना है, मुड़ी मुड़ी मुड़ी, हाथ क्रॉस नहीं करने, सीधा करिए सीधा करिए, हाँ राइट राइट, ऐसे सीधे करिए, छोड़ दीजिए, हम वहाँ पे रुके गए बार हमने, इंडिकेटर करिए पहले लेफ्ट के लिए, हाँ स्पीड छोड़ दीजिए, क्लच दबाइए पूरा पूरा क्लच दबाइए, पूरा क्लच दबाइए, हल्के हल्के ब्रेक लगाओ, हल्के हल्के ब्रेक लगाओ, न्यूटन हैंड ब्रेक,